ये तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती। हेलो गाइस, वेलकम। ना यार, अभी हम अपना वेलकम चेंज कर रहे हैं। अभी मैं, जैसे हमने अपने फैमिली का नाम रखा हुआ गैंगस्टर परिवार, तो गैंगस्टर परिवार को लेकर ही वेलकम किया करेंगे अब से। तो हेलो गैंगस्टर परिवार, कैसे हो आप सब? होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ आप सब की तरह। तो परिवार नाम तो रख दिया, तो गैंगस्टर लुक भी रखा हुआ है, तो गैंगस्टर लुक को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा डिसेंट बॉय बनते हैं और फटाफट चलते हैं सैलून पे अपना शेव और बियर्ड वगैरह कराने के लिए। इससे पूछा कि गैंगस्टर परिवार ही क्यों नाम रखा? देखो यार, सच बताऊँ तुम्हें मैं, कि जैसे हम है ना थोड़ा हटके, तो वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली भी थोड़ी हटके हो, तो इसलिए मैंने अपने परिवार का नाम गैंगस्टर परिवार रखा। और आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे गैंगस्टर परिवार में। और तुम सब अच्छे से सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाओ, कि आप सबको भी मेंबर बनना है गैंगस्टर परिवार का। तो परिवार ये मतलब नहीं कि हम डॉन है या कुछ इस तरीके से, नहीं भाई, मतलब इस चीज़ का ये मतलब है कि जो मेरा परिवार है वो गलत का सपोर्ट करेगा नहीं, और जो चीज़ें ठीक होगी उसका फुल सपोर्ट रखेंगे। तो ये है अपने परिवार का मेन एजेंडा। आज का है डे टू, हम रेडी शेडी हो गए हैं। और जैसे तुम सबको पता होगा, स्पेशल डे था कल, जो उनके लिए गोल्डन बटन आया था। तो जो गोल्डन बटन आया था, देखो मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ था यार। और अब डायमंड बटन चाहिए, तो तुम सब जाके चैनल सब्सक्राइब करो शोना के, और मेरे को भी गोल्डन दिला दो, गोल्डन नहीं दिलवा सकते। चलो पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बेल आइकन पे जाके क्लिक करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। थंबनेल और टाइटल से तुम्हें पता चलेगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। फिलहाल तो ये है माइंड में कि जो उनका गोल्डन बटन आया है उस चीज को लेकर कोई प्रैंक करते हैं। और तुम में से कई हैं जो ये सोच रहे होंगे या ये जो कह रहे होंगे कि हर वेनसडे और सैटरडे को आप वीडियो बोल रहे थे। देखो, वेनसडे को तो वीडियो आ रही है, सैटरडे को वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने कुछ फर्नीचर ऑर्डर किया है स्पेशली उस वीडियोस के लिए। दो दिन का और वेट करना पड़ेगा, पर ये रेगुलर जाएगी ही जाएगी, कुछ भी हो जाए वो वीडियो नहीं रुकेगी। एवरी मतलब वीक में दो दिन तो वीडियो आनी ही आनी है। मेरे को लगा कि कुछ उन्होंने मुझे ऐसा कुछ चैलेंज दिया या कुछ न्यू हटके हमने ट्राई किया, तो वो देखो हम जरूर करेंगे, क्योंकि डो एंड डाई जो चैनल हमने बनाया था उसका कुछ न्यू हटके ट्राई करने वाले हैं हम न्यू ईयर के बाद से। चेंजेस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा टीम का साथ लेना जरूरी है, टीम साथ रहेगी तो ज़्यादा फन आएगा। तो वो सारी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर तभी हमने सोचा क्यों ना नए साल से नई चीज़ों की शुरुआत की जाए और नए तरीके से नया वे में वायरल हुआ जाए। तो तुम सब अपना सपोर्ट बना के रखना, देखो हम बहुत प्यारे हैं। तो अभी फिलहाल तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मंदिर, क्योंकि आज ट्यूजडे का मेरा फास्ट है। प्रैंक बड़ा ज़रूरी है, प्रैंक सबसे पहले जरूरी है। काम करता हूँ, रीनेम भी करा लेता हूँ और इसको यहाँ से गायब भी कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि रिएक्शन। ओ भाई, गिर ना जाइए। मैं शोना को बोलने वाला हूँ कि डैडी का कॉल आया था वहाँ से, कि वो ये कह रहे थे, गांव वाले सब ये कह रहे हैं कि शिल्पा चौधरी ना करके इसको साहिल शिल्पा चौधरी करो, चैनल इसका नाम चेंज करो। इनके रिएक्शंस क्या होंगे? ये बहुत अच्छा प्रैंक है ना, तो तुम सब कमेंट करके जरूर बताना कि प्रैंक अच्छा है नहीं है। फिलहाल के लिए तुम चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और लाइक आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो मेरे को ये भी हो रहा है कि शोना यार कल तो खुश थी इतनी अच्छे से, अगर गलती से वो प्रैंक के दौरान रोए या कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि देखो तुम्हें सही बताऊँ, जितने भी प्रैंक मैंने आज तक किए हैं ना, उसमें से 90% प्रैंक्स ऐसे थे जिसमें उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, ये सोच के कि यार नहीं, ये साहिल के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये किस तरीके से हुआ। पर फिर भी मैं प्रैंक कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से, मैं फिर तुम्हें ये बात दोहरा रहा हूँ, और मैं दोहराना नहीं चाहता था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जो भी अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ हुआ, या मैं तुम्हें एकदम वीडियो स्टॉप हो गई बननी, या मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ, तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं। एक चीज़ को पता होना चाहिए कि सोती शेरनी को कभी उठाना नहीं चाहिए, पर हम क्या करते हैं, हम उठाते नहीं, हम पिंच करके भाग जाते हैं। पर नहीं भाई, नहीं, जिस दिन अगर हम पिंच करके भागे और हम पकड़े गए वो गलती से, तो फिर उस दिन देखना तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा और तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। फटाफट हम रेडी हुए हैं लेट नाइट शो देखने के लिए। जैसे वो घर पे आए ना, उन्होंने फटाफट कपड़े चेंज किए और चले गए बाहर, उन्होंने नोटिस नहीं किया कुछ अभी तक ना। जब आ जाएंगे ना, जब काजल भी साथ आएगी वो तब नोटिस होगा, क्योंकि हमारे घर में सबसे शैतान है काजल, और वो हर एक छोटी से छोटी चीज भी नोटिस कराती है बोल के, शिल्पा ये ऐसे, शिल्पा वो ऐसे। तो प्रैंक के चक्कर में ना एक गलती हुई मुझसे, मैं थोड़ा सीरियस हो गया उस चीज़ को लेकर कि नाम रीनेम कराने में, कि इसको कन्वर्ट करा देते, और वो सच में उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया। वो देखते हैं कि शर्मा नोटिस करती है नहीं करती है, अगर नोटिस किया तो भाई मैं तुम सबका नाम लगाऊंगा। लोग मेरे ते हंस दे, पैसे ज्यादा दे दूंगी। अगर कॉपीराइट आए ना
नहीं बताऊंगा पैसे ज्यादा। इतनी सुरीली आवाज नहीं है जो कॉपीराइट है। ओए कितनी अच्छी लाइट है गाड़ी में। काजू सुन मेरी बात, अगर तेरे को सीरियस मोड में मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं पहले बता। अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चलो मैं सीरियस बात बता रहा हूं तेरे को, बिल्कुल सीरियस में। हां अरे वो सोना गोल्डन बटन आया था ना, तो उसमें पापा और उन सब ने ये बोला कि भाई इसमें नाम चेंज होना चाहिए, साहिल शिल्पा डागर, शिल्पा चौधरी नगर। अब पता नहीं वो क्यों बोला, और मेरा भी इतना दिमाग कि हाँ सही कह रहे हो आप, और मैं उसको ले गया चेंज कराने के लिए। और जब वो कर रहे थे ना, तो उससे करते हैं ना एक छोटी सी ड्रिल मशीन आती है जिससे बर्तनों पे नाम लिखा जाता है, उससे वो चेंज कर रहे थे, वो टूट गया गोल्डन बटन टूट गया। हाँ शोना ने 3 दिन से नोटिस नहीं किया, मैंने घर में नहीं लगा रखा। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें आपकी सहायता? कुछ हेल्प करो यार, सच सच बता दो, झूठ बोलोगे तो भी पिटोगे, सच में भी पिटोगे तो एक ही चीज कर लो, सच बता के पिट लो। पिटूंगा क्यों वैसे? आपकी दही तोड़ देगी वो। उसकी मेहनत का गोल्डन बटन है मेरी बहन का, यार वो और तुमने मेरी बहन का नाम चेंज करवाया कैसे? ये क्या होता है इधर, कवर्ड होता है क्या? नहीं है, इस पे हाथ रखने के लिए। या आई नो यार, मैं फन के लिए बोलती हूँ सब चीजें, तुम सीरियस ले लेते हो। अरे चल मेरे को बताना क्या करूँ। सही में टूट गया? हाँ, कैसे टूट गया? अरे मतलब वो ज्यादा कर रहा था तो उससे पिंच वो दब गया, पूरा क्रैक नहीं, जहाँ उसका शिल्पा चौधरी नाम लिखा हुआ है ना, उस पे से उसने जैसे वो पैसे से करके नाम लिखते हैं ना, उसे ज्यादा प्रेशर दे दिया और अंदर चली गई पिन। तो जहाँ से टूटा है कुछ है, फोटो होगी कुछ होगा, फोन टूट गया, गोल्डन बटन टूट गया, फोटो नहीं। अब बता क्या करूँ, कौन करे आपकी ऐसी फालतू बात की? थोड़ी देर बात करते हैं ठीक है, जब ये आएंगे ना तब सेम एक्ट मेरा साथ दे रहा है। आप उसके सामने डागर लिखवा दो, पर इन्होंने बटन हटाने का क्या? वही तो बता रहा हूँ, कोई बात तो सुन लो।
तो उसको चेंज कराने के चक्कर में जहाँ वो पहले बर्तनों पे नाम लिखते थे ना, मैं उसके पास ले गया। अब उसमें वो करते करते दबा बहुत गंदा मजाक कर रहे हो आप, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बर्तन वाले के पास क्या बोल रहा हूँ, शिल्पा के सामने साहिल आपने बोल दिया शराब पार्टी खत्म, अब तक तो आज तक किसी ने नहीं बोला था सर, आप बोल दिया तो करना पड़ेगा। आपके मन की खुद की बात तो नहीं है ना जो उनके ऊपर डाल दिया, पहले मुझसे बात कर लो ना, कॉल क्यों कर रहे हो? मैं कॉल करूंगी, क्या चल रहा है, मेरे बटन के साथ ऐसे क्यों हुआ? और मैं, मेरा बटन नहीं है वो हमारा बटन है, लेकिन ये नाम पे ऐसे इशू कैसे बना है? अरे वो नेम मैं चलो चेंज ना हो, पर उसने वो ड्रिल अंदर कर दिया, मैं क्या करूँ उसका? क्या ड्रिल अंदर कर दी? वो जैसे ऐसे लिख रहा था ना उस पे सब ज्यादा पंच हो गया, अंदर से लिख दी। आपकी जो आप मुझे समझा रहे हो वो बटन उसी के पास है 2-3 दिन से, और वो कह रहे हैं आपने तो नोटिस नहीं किया 2-3 दिन से कि 2-3 दिन से यहाँ बटन नहीं है। हाँ मुझे नहीं ध्यान गया, मैं नहीं देख रही इस वॉल को, वो तो आपने बोला इसे लगा दो, तो देखा आप बटन लागे यहाँ लगा दो चुपचाप ऐसे ही, इतना अच्छा मजाक मत करो। अरे मजाक की बात मत मानो, जो शिल्पा साहिल डागर मैं क्यों लिखूं, मैं उस पे कह रही हूँ साहिल डागर लिख लो, पर ये टॉपिक पे इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से आपने शिल्पा डागर नहीं ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई ऐसे जबरदस्ती के साथ लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे जबरदस्त, मैं कह रही हूँ ये लिख लो, मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से बोला जा रहा है वो अच्छा नहीं लगा। मेरा बटन, मेरा नहीं हमारा बटन वॉल पे लग जाना चाहिए, और मेरी भूख भी मर गई है, बहुत अच्छा सा आपने मुझे अभी फील कराया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, कोई बात नहीं साहिल, अभी भी अगर फ्रैंक है आपके पास 5 वापस ला के लगा सुनो ना, इसमें होने वाली कौन सी बात है, इसमें दुख होने वाली कौन सी बात है भाई, बटन ही तो था, क्या हो गया और ये जब मैं साथ हूँ आपके आपका बटन टूट गया, कौन सा बटन टूट गया आपका, तो ये क्या है, ये क्या है, करना। और अभी तो आप ये सोच लो कि जो नया साल आएगा ना उसके बाद मैं आपके साथ एक्सट्रीम लेवल के करने प्रैंक स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, कर लो, पर
यार ये कुछ भी मत बोला करो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता फैमिली को क्यों लाए बीच में, वो बेचारे कभी ऐसे बोल ही नहीं। मुझे पता था आप कॉल करोगे, आप इतने रिस्पेक्ट करते हो, मैं कुछ बोलोगे नहीं चीज़ में। मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा था जो आप बोल रहे थे, वो मुझे समझ सा नहीं आ रहा था गाइस जो ये बोल रहे थे ना कि ऐसे मतलब कुछ अटपटा लग रहा था। पर इस पे होना चाहिए साहिल डागर, मुझे कोई, मैं तो चाहती हूँ ये बटन कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो हमारा ही तो है, क्या हो गया अब, जो मेरा चैनल है वो भी हमारा ही है। हाँ, सब हमारा ही है और क्या। चलो अब व्लॉग को एंड कर दो अच्छे से, सबको हैप्पी क्रिसमस बोलो, पहले मैरी क्रिसमस तो बोल दो। हाँ, बोलो अपना। नहीं आप बोलो प्लीज, प्लीज ना। मैरी क्रिसमस गाइस, ये प्रैंक था जो साहिल का थोड़ा सक्सेसफुल हो ही गया, हो ही जाते हैं यार कुछ अपना, आपको पता ही है मेरा ऐसे ही चल रहा है, मैं जल्दी रोने धोने लगती हूँ। तो अगर ये व्लॉग आपको हाँ अच्छा ही लगेगा, जिसमें शिल्पा रोती है उस वो व्लॉग आपको अच्छे ही लगते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल। और मिलेंगे ये एक और नए खुराफाती प्रैंक के साथ। प्रैंक करोगे? नहीं, अब मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, अब मैं रिवेंज करूंगी। ठीक है, स्टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।